नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सम्मी। अब खबरें विस्तार से। नगर निकाय चुनाव के उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश सिंह ने कहा कि हमारे जनपद में एक नगर निगम और 11 नगर पंचायत हैं। नगर निगम के पार्षद व महापौर की मतगणना विश्वविद्यालय परिसर में होगी और नगर पंचायतों की मतगणना तहसील मुख्यालय पर होगी। नगर निगम की मतगणना विश्वविद्यालय के बैडमिंटन हॉल, वाणिज्य भवन व इंजीनियरिंग भवन में होगी, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, जिसके लिए मतगणना एजेंट के पास जारी किए गए हैं। इसलिए प्रत्याशी अपने आरओ व एआरओ से संपर्क करके पास जारी करवा लें। उन्होंने कहा, एक साथ 40 वार्ड की मतगणना होगी, उसके बाद 41 से 80 की होगी, कुल दो चरणों में मतगणना होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, हमारे जनपद में एक नगर निगम और 11 नगर पंचायतें हैं। नगर निगम की मतगणना विश्वविद्यालय प्रांगण में होगी और नगर पंचायतों की मतगणना तहसील मुख्यालयों पे होगी। तो नगर निगम की मतगणना विश्वविद्यालय के बैडमिंटन हॉल और वाणिज्य भवन और इंजीनियरिंग संकाय में होगी। इसके लिए पूर्ण तैयारियाँ कर ली गई हैं, गणना एजेंट के पास जारी किए जा रहे हैं। मेरा सभी प्रत्याशियों से अनुरोध है कि अपने आरओ और एआरओ से संपर्क स्थापित कर लें और अपने लिए पास जारी करा लें। ये एक बार में 40 वार्ड की मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। जब ये 40 वार्ड की मतगणना समाप्त होगी तब अगले 40 वार्ड की हो जाएगी। एक प्रकार से अगर आप चरण माने तो दो चरणों में मतगणना समाप्त होगी।